नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ अजिता। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात वृद्ध को मृत हालत में लेकर आए दो युवक उसे छोड़कर गायब हो गए। अस्पताल में लावारिस लाश के मिलते ही हड़कंप मच गया और उसे लाने वालों की तलाश शुरू कर दी गई। इसी बीच दोबारा अस्पताल पहुंचे युवक ने इस पूरी घटना की जानकारी दी है। दरअसल घायल अवस्था में मिले वृद्ध की अस्पताल लाते वक्त हुई मौत से उसे अस्पताल पहुंचाने वाले युवक डर के मारे अस्पताल में ही लाश छोड़कर गायब हो गए थे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वृद्ध कौन है और उसकी मौत किन कारणों से हुई है। घटना को लेकर अस्पताल पहुंचे युवक ने बताया कि उसे वृद्ध घायल अवस्था में बेला स्थित शराब दुकान के पास मिला था। युवक ने बताया कि वृद्ध ने उसे अस्पताल पहुंचाने की बात कही, जिसे वह लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचा तो उसकी मौत हो गई। वृद्ध की मौत से घबराकर युवक लाश छोड़कर गायब हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वापस लौटकर उसे पूरी जानकारी खुद ब खुद दे डाली। अब अस्पताल प्रशासन व पुलिस अज्ञात वृद्ध के शव की पहचान जुटाने में लगी हुई है। बेला शराब के ठेके के आगे थोड़ा जहाँ पे इंसान पी के चला जाता है वहाँ तो गिरे हुए थे। तो ये मैं इनके पास जब गया तो मतलब हिल डुल रहे, तो मैंने कहा क्या हो गया, काका क्यों परे हो? तो उन्होंने बोला मेरे को हॉस्पिटल ले चल। तो मैंने बोला रुको मैं करता हूँ, मैं एक ऑटो को रोका। ऑटो वाले ने तो थोड़ा दूर लाया फिर वो भी उतार के चला गया। फिर एक ट्रक वाला है, मैंने उसको रुकाया, उसने रोका, फिर उसने यहाँ तक छोड़ा। जब मैंने यहाँ फिर उनको छोड़ा, एक व्यक्ति मुझे मिले, उन्होंने मैंने बोला स्ट्रेचर दे दो, उन्होंने दिया। फिर उन्होंने कहा ये तो मर गया, तो मेरे को बहुत डर लगा, मैं कह रही मर कैसे गई, तो बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला तुम भाग जाओ यहाँ से, तो मैं फिर चला गया। लेकिन जब मुझे लगा कि अगर आगे कुछ कार्रवाई तो मेरे को पूरा केस चला जाएगा, इसमें वापस आया। मैंने सोचा से हम वहाँ पर बता दिया जाए क्या हुआ कैसा हुआ। चलिए मेरा इतना सोचा कि अगर ये जीत जाएगी तो इसमें कुछ नहीं है। चलो।